बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम जूनी था मैं ग्यारह साल की थी हमें इस मोहल्ले में आए हुए बस चंद दिन ही गुजरे थे मैं अपने वालदेन की उकलौती औलाद थी कोई बहन भाई नहीं था इसीलिए घर में अकेली बैठी रहती थी मेरा इस नए मोहल्ले में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था पिछले मोहल्ले में तो मेरी फिर काफ़ी दोस्तें थीं लेकिन मेरे वालद ने नई सोसाइटी में घर लिया था हालांकि काफ़ी साफ सुथरी सोसाइटी थी लेकिन मेरा वहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था मेरे वालिद ने मुझे नए स्कूल में दाखिल करवाया था जो कि इस मोहल्ले में मौजूद था इसलिए वहाँ दोस्ती नहीं हुई थी एक बार मैं अपने सहन में तख्त पर बैठी थी जब मुझे शीश की आवाज आई मैंने दाएं बाएं देखा तो दाएं जाने बने हुए घर की ऊपरी छत पर मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी कहने लगा मुझसे दोस्ती करोगी हाथ में पकड़े वो सेब को खा रहा था साथ मुझसे पूछ रहा था मैंने कहा मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा कहने लगा मैं एक हफ्ते से तुम्हें देख रहा हूँ अकेली बैठी रोती रहती हो वैसे भी मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ बच्चा हूँ सिर्फ ग्यारह साल का हूँ देखो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं अगर मुझसे दोस्ती करोगी तो बहुत फायदे में रहोगी फिर कहने लगा अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो आइसक्रीम भी तुम्हें खाने को मिलेगी अच्छी तरह सोच के मुझे कल बता देना कल मैं तुम्हें यही मिलूंगा फिर वो थोड़ा सा पीछे हटा मगर अगले ही लम्हे दोबारा से फिर मुझे देख कर कहने लगा वैसे मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी डॉल्स भी हैं जो मैं अपने दोस्तों को ही देता हूँ एक बार इस बात पर भी ध्यान दे देना अगर तुम मुझसे दोस्ती करो तो तुम्हें डॉल भी दे सकता हूँ यह कह कहकर वो चला गया मुझे बहरहाल इस लड़के से दोस्ती करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने थे हाँ लेकिन मुझे मेरी वालदा डॉल लेने नहीं देती थी इसलिए मेरे पास कोई डॉल नहीं थी मैं जब भी अपनी वालदा से कहती कि मुझे डॉल खरीदनी है तो वो मुझे टेडी बियर खरीद के दे देती थी कहती थी मुझे डॉल बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए तुम भी डॉल से नहीं खेलोगी मेरी वालदा अपनी हर बात मुझ पर मुसलत करती थी इसलिए मैंने सोचा कि इस लड़के से दोस्ती कर लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि खिलौने से खेल कर तो मैं वैसे भी तंग आ चुकी हूँ मुझे डॉल चाहिए थी अगले रोज जब मैं सहन में आई तो मैं बार बार इसी की छत की तरफ देख रही थी लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वो लड़का मुझे नजर नहीं आया तो मुझे बड़ी मायूसी सी हुई मैंने सोचा काश मैं इसे कल ही कह देती कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है अभी मैं वापस अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तब मुझे शीश की आवाज आई मैंने देखा वो सामने छत पर खड़ा हंस रहा था फिर उंगली उठाकर कहने लगा तो मुझे ढूंढ रही थी ना मुझे पता है मैं छत पर ही था लेकिन बात छुपा हुआ था छुप कर देख रहा था कि तुम बार बार मेरी छत पर देख कर, मेरा इंतजार कर रही हो मुझे इसकी यह हरकत बड़ी बुरी लगी भला भी कोई काम था करने वाला फिर वो कहने लगा हाँ भाई क्या सोचा तुमने मैंने भी इस पर एहसान जताते हुए कहा कि देखो तुम कल से मुझे कितनी बार कह चुके हो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम मुझे डोल दोगे तो फिर मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी इसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई कहने लगा एक मिनट रुको ये कहकर वो छत से नीचे चला गया मैं वहीं खड़ी रही कि शायद वो डॉल लेने गया है लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे घर का मेन दरवाज़ा बजने लगा मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़का था उसके हाथ में एक शॉपर पकड़ा हुआ था बड़ी बेतकल्फी से वो घर में दाखिल हुआ और शॉपर मेरे हाथ में पकड़ा दिया कहने लगा उफ इस वक्त इतनी गर्मी होती है ना बाहर मत पूछो अपने अब्बा से छुप कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कहकर उसने खुद ही मेरे घर का दरवाजा भी बंद कर दिया बड़े बेतकल्लफ किस्म का था। फिर उसने शॉपर में से मुझे बड़ी प्यारी सी डॉल निकाल कर दी कहने लगा ये देखो ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है मासूम और खूबसूरत मैंने वो डॉल पकड़ ली लेकिन अगले ही लम्हे मैंने जैसे ही इस शॉपर में से डॉल बाहर निकाली तो मुझे बड़ी जोर का झटका लगा इस डॉल के चेहरे पर जख्मों के निशान बनाए गए थे जैसे कि वो डॉल जख्मी हो और जो कपड़े डॉल को पहनाए गए थे वो भी जगह जगह से फटे हुए थे मैंने कहा ये तुमने डॉल का क्या हशर का रखा है कहने लगा मुझे नहीं मालूम ये सब मैं नहीं करता मैंने कहा फिर कौन करता है कहने लगा मेरे अब्बा मैंने कहा तुम्हारे अब्बा को खिलौनों से क्या मतलब वो कहने लगा पता नहीं इन्हें डॉल्स बहुत पसंद हैं और वो डॉल लेकर आते हैं तो इसे खुद ही गुस्से में आकर तोड़ देते हैं। इसी लड़के से मुझे मालूम हुआ कि वो भी अपने बाप के साथ अकेला ही घर में रहता है इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है बहरहाल मेरी जवाब से दोस्ती हो गई इस बच्चे का नाम जवाद था मेरी वालदा को भी इस बात पर कोई इतराज नहीं था जवाद रोज ही मेरे घर आता था और हम खेलते कभी बैट बॉल कभी लूडो कभी खिलौनों से खेलते हमेशा वो मेरे लिए एक नई डॉल लेकर आता था जो कि ऐसी ही होती थी इसके चेहरे पर पेंट से जख्मों के निशान होते थे इसके बाल खुले हुए बिखरे हुए होते थे और इसके कपड़े जगह जगह से फटे होते थे ऐसी बेहाल गुड़िया देखकर मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ खेलूं। इसीलिए मैंने गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ दिया था एक बार जवाद कहने लगा क्या बात है मैं रोज तुम्हारे घर खेलने आ जाता हूँ और तुम एक बार भी मेरे घर मेरे साथ खेलने नहीं आई आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो मैंने अपनी वालदा से इजाजत मांगी तो इन्होने बुशी मुझे इस बात की इजाजत दे दी मैं जवाद के साथ इसके घर चली गई वो मुझे सीधा अपने कमरे में ले गया इसके पास वाकई बेतहाशा खिलौने थे कहने लगा ये सब मुझे मेरे बाबा ने दिलवाए हैं वो भी तनहाई का शिकार था खिलौने खेलने से इंसान तंग आ जाता है इसे अपनी उम्र के दोस्तों में ही सुकून मिलता है खुशी मिलती है यही हाल जवाद का भी था और शायद मेरा भी मैं भी इन्हीं खिलौनों के साथ खेल रही थी जब जवाद के कमरे का दरवाजा खुला सामने एक शख्स खड़ा था इसकी उम्र मेरे बाप के बराबर की थी जवाद के साथ मुझे देख कर इस शख्स की आंखों में हैरत थी वो जवाद से पूछने लगा कि ये कौन है जवाद ने कहा डैड ये मेरी दोस्त है ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया ये तो बड़ी प्यारी गुड़िया है बिल्कुल बारबी डॉल जैसी ये कहकर वो शख्स मेरे बराबर बैठकर अपने हाथ की पुश्त से मेरे रुखसार को सलाने लगा पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एक करंट सा लगा था मुझे इस शख्स का छूना अच्छा नहीं लग रहा था मैं फौरन से पीछे हट गई और खड़ी हो गई मैंने कहा जवाद मैं अपने घर जा रही हूँ जवाद मुझे आवाज़ें देता रह गया लेकिन मैं अपने घर आ गई घर में आते ही मैं सीधा अपने कमरे में चली गई पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सुलग रहा हो, हालांकि ऐसा नहीं था कि पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी बिल्कुल जापानी गुड़िया लगती थी गोल्डन ब्राउन आंखें, गोल्डन ब्राउन ही बाल सफेद दुधिया रंगत जो भी मुझे देखता था तो कुछ पाल तो देखता ही रह जाता था लेकिन इस शख्स का देखना इसका छूना बहुत अलग सा था मैं अकलौती थी इसलिए मुझ में मासूमिया और बचपना बहुत ज्यादा था फिर मेरी वालदा ने मुझे हर बात से अनजान रखा था जिसका के इलम बहुत से घिरानों में अब देना शुरू कर दिया गया है अच्छे बुरे का समझाना कि किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं मैं अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी लेकिन ये बात शायद फितरी तौर पर हर औरत के अंदर होती है अगर कोई इन्हीं बुरी नज़र से देखे या गलत इरादे से छुए तो वो फौरन पहचान जाती है अपने ऊपर उठने वाली ये नज़रें मुझे ठीक नहीं मुबतला रही लेकिन इसके बाद फिर से हो गई। अगले रोज जवाब तो क्यों चली गई थी वो मेरे डैड थे और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया लेकिन अब मैं खेलने के लिए जवाब के घर जाने लगी थी और अक्सर इसके डैड जवाद के कमरे में आते और एक कुर्सी पर बैठ कर टिक टिकी बांदे मुझे देखते रहते थे ना जाने कैसी तेज नज़रें थी इस शख्स की कि मुझे एक बेचैनी लाख हो जाती थी मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो मुझे क्यों देख रहा है एक बार मैं और जवाद खेल रहे थे कि जवाद के वालिद मुझसे कहने लगे बेटा तुम मुझे इतना घबराती क्यों हो इधर आओ मेरे पास आओ देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ ये कहकर इन्होंने अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर मुझे दिखाई मैं खुशी खुशी इनके पास चली गई क्योंकि थी।, तो थी।, थी तो छोटी भी नहीं थी मुझे इसके वालद की यह हरकत बहुत बुरी लगी मैंने कहा अंकल मुझे छोड़े वो कहने लगे अरे क्या हो गया बेटा आराम से मेरी गोद में बैठकर चॉकलेट्स खाओ मैं तो जवाद को भी अपनी गोद में बिठाकर चॉकलेट खिलाता हूँ जवाद कहने लगा हाँ हाँ ये भी तुम्हारे पापा ही हैं जवाद अपने हिस्से की चॉकलेट अपने बाप से लेकर एक कुर्सी पर बैठ कर खाने लगा पहले तो मैं कुछ देर घबराई घबराई इनकी गोद में बैठी रही इसके बाद चॉकलेट खोल कर खाने लगी मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी चॉकलेट खाकर इनकी गोद से नीचे उतर जाऊं। लेकिन तब तक इनके हाथों की गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी थी इनके हाथ मेरे वजूद पर बेखुदी से चल रहे थे वो कभी मेरी कमर सुला रहे थे और कभी मेरी चॉकलेट खाना मुश्किल हो चुका था क्योंकि इस दो मिनट के अंदर अंदर वो मेरे वजूद को मुकम्मल तौर पर अपने हाथों का लमस दे चुका था और मैं यूं थी कि मेरा पूरा वजूद लर्ज रहा था मैं फौरन इनकी गोद से नीचे उतर गई लेकिन अगले ही लम्हे इन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ जगड़ लिया मुझे अपने सीने से जोर से लगा लिया और मेरी गर्दन पर चूमने लगे मेरा पूरा वजूद बर्फ की मानद सरद बढ़ रहा था मैं चिल्ला कर बोली कि मुझे छोड़ो ये सुनकर एकदम इस शख्स ने मुझे छोड़ा था मैंने कोई बात नहीं की मैंने चॉकलेट्स वहीं फेंकी और अपने घर आ गई मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था मेरी आंखों से आंसू जारी थे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी जवाद के घर नहीं जाऊंगी मुझे इसके वालद बहुत बुरे लगने लगे थे लेकिन मुझे जवाद के साथ खेलने की आदत हो चुकी थी मुझे लगा था कि वो अगले रोज़ मुझसे मिलने आ जाएगा और मैं इसे कहूंगी कि मुझे तुम्हारे घर जाकर नहीं खेलना बस वो रोज़ मेरे ही घर आ जाया करे लेकिन अगले रोज़ वो आया ही नहीं मैं पूरा दिन इसका इंतज़ार करती रही अगले रोज भी जवाद नहीं आया अब मुझे इसकी फिक्र होने लगी मेरी अम्मी भी कहने लगी कि क्या तुम्हारी जवाद से लड़ाई हो गई है मैंने कहा अम्मी पता नहीं वो क्यों नहीं आया अम्मी कहने लगी तो जाओ इसके घर जाकर पूछ लो लेकिन मैं इसके घर नहीं जाना चाहती थी मेरी अम्मी इस वक्त बिरयानी बना रही थी कहने लगी ऐसा करो ये बिरयानी की प्लेट भी जवाद के घर दे आओ और इसी के घर जाकर खेल भी लो ये सुनकर मुझे जवाद के वालिद का रवैया याद आया तो मैं जुर्जरी से लेकर रह गई मैंने कहा मुझे नहीं जाना इसके घर मेरी वालदा ने बिरयानी एक प्लेट में डाली कहने लगी अच्छा मत जाओ खेलने लेकिन बिरयानी तो जवाद के घर दे आओ अभी दो दिन पहले ही मुझसे कह रहा था कि आंटी आप जब भी बिरयानी बनाइए मेरे लिए जरूर भेजिएगा बेचारा बिन माँ का बच्चा है मैंने दरवाजा खटखटाया तो जवाद के वालिद ने दरवाजा खोला मेरे हाथ में बिरयानी के प्लेट देखकर पीछे हट गए कहने लगे आओ आओ अंदर आ जाओ मैंने कहा नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं आना आप ये बिरयानी ले लें जवाब से कहिएगा अम्मी ने इसके लिए भेजी है वो कहने लगे जवाद को तो बहुत तेज बुखार है बुखार में भी तुम्हें ही पका रहा है यह सुनकर मुझे रहा नहीं गया मैं फौरन से घर के अंदर दाखिल हो गई और सीधा जवाद के कमरे के अंदर चली गई वो वाकई बेहाल था बेड पर लेटा हुआ था मैं इसके पास आई कहने लगा मैं दो दिन से बीमार हूँ तो तुमने मेरी खैरियत भी नहीं पूछी मैंने बिरयानी साइड टेबल पर रख दी मैंने कहा मेरे पेपर्स होने वाले हैं इसलिए मैं पढ़ रही थी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मेरे घर मेरे साथ खेलने आ जाना मैं जवाब से बात कर रही थी तो मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो मेरी कमर पर अपनी उंगलियां फेर रहा है मैं बुरी तरह से चौंक कर पीछे हटी देखा तो इसका बाप मुझे देखकर कर से मुस्करा रहा था मैंने फौरन जवाब से जाने के लिए कहा और कमरे से बाहर निकल गई जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली जवाद के वालिद भी कमरे से बाहर निकल आए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गए मैंने कहा ये आप मुझे कहा लेकर जा रहे हैं मैंने अपने घर जाना है लेकिन अपने कमरे में ले जाकर इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया दरवाजे को लॉक किया और मेरे गले में पहना हुआ छोटा सा नेट का दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और मुझे गोद में भर अपने बेड पर ले आए मैं बुरी तरह से अपने हाथ पैर चला रही थी इन्होंने बहुत जोर से मुझे बेड पर पटखा और फिर मेरी आंखों से कतरा कतरा आंसू निकल कर तकिया भिगो रहे थे इस शख्स ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख कर दबा रखा था ग्यारह साल की उम्र में, में मेरा रेप किया गया था मैं बेहाल सी हो चुकी थी वो शख्स अब मुझे डरा धमका रहा था कहने लगा खबरदार जो तुमने किसी से भी कुछ कहा तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा इसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर मेरा दिल बुरी तरह से देख कराक लहजे से मैं मैं डर चुकी थी मैंने कांपते हुए इसे कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहती लेकिन मुझे जाने दो वो शख्स इंसानी रूप में एक दरिंदा था मुझे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया इस वक्त मेरे वजूद पर बस एक चादर थी मैंने अपने कपड़े पहने और अपने घर चली गई मेरी वालदा अपने कमरे में शायद सो चुकी थी मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी मुझे हर शख्स से नफरत होने लगी थी हर मर्द से खौफ आने लगा था मैं एक हफ्ता बुखार में बेसुध पड़ी रही मेरी वालदा मेरे वालद मेरी वजह से परेशान हो गए लेकिन जब मेरा बुखार बेहतर हुआ तो मेरी वालदा ने बातों बातों में मुझसे कहा कि जवाद घर छोड़कर जा रहा है मुझे ना तो जवाद के जाने का दुख था ना ही किसी और बात का मुझे सिर्फ अपनी इज्जत के जाने का दुख था वक्त ही गुजरने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई किसी से बात नहीं करती थी मेरे वालत कभी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखते तो मैं बुरी तरह से काम के पीछे हट जाती मेरी उम्र बीस साल हो चुकी थी लेकिन ये वाक्या मेरे दिमाग में अभी तक ताज़ा था मैंने चौदह जमाते पढ़ ली थी मेरे वालद की ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ू लेकिन ये सोचकर के वहाँ लड़के भी होंगे मैंने कहा कि मुझे आगे नहीं पढ़ना मुझे मर्द के नाम से नफरत हो चुकी थी जहाँ मैं लड़कों को देखती मेरा दिल बुरी तरह से कांपने लगता कम उम्र में जो जुल्म मेरे साथ हुआ था मेरा मर्दों से खौफ खाना एक फितरी बात थी मेरी सबसे ज्यादा जान तो तब निकली जब मेरे लिए रिश्ते आने लगे मैं अपनी जिंदगी में किसी भी मर्द को शामिल नहीं कर सकती थी अगर शादी की रात ही वो जान जाता कि मैं कमारी नहीं हूँ और अगर ना भी पता चलता तो मेरा खौफ इसे बहुत कुछ समझा जाता जब भी मेरी वालदा मुझे किसी रिश्ते के बारे में बताती तो मेरी हालत गैर होने लगती मैं रोने लगती कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी अब ये देख कर मेरी वालदा बहुत परेशान हो गई मेरी रंगत फीकी पड़ती जा रही थी मैं दीवानों की तरह से रोने लगती कि मेरे सामने किसी मर्द का नाम भी मत लो दो साल मजीद गुजर गए लेकिन मेरी वालदा मुझे समझा समझा कर थक गई थी कि लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है वो निकल जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते मैं ना तो इन्हें वजह बता सकती थी ना शादी कर सकती थी मेरी बिगड़ती हुई हालत के पेश नज़र मेरी वालदा मुझे एक सेक्ट्रेस के पास ले गई वो एक नौजवान सा डॉक्टर था मेरी वालदा ने मेरी पूरी बात डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर मुझसे वजह पूछने लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उसने मुझे मेडिसन लिख दे दी वो डिप्रेशन की दवा थी वो डॉक्टर कहने लगा कि कुछ लड़कियों को शादी से पहले शादी के रिश्ते से खौफ महसूस होता है कि ना जाने ये रिश्ता क्या है इसलिए वो घबरा जाती हैं और बाज लड़कियों में ये खौफ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे आपकी बेटी की है तीन माह के इलाज से भी मेरी वैसी ही हालत थी तो डॉक्टर मेरे वालदेन से कहने लगे कि आप लोग बाहर जाएं मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है लेकिन मैंने अपनी वालदा का हाथ जोर से पकड़ लिया मैंने कहा मुझे किसी मर्द के साथ तनहा नहीं रहना मेरे चेहरे की जर्द पड़ती रंगत देख कर वो मुझे बड़े गौर से देखे जा रहा था फिर कहने लगा मैं आपके घर आना चाहता हूँ ये सुनकर मैंने कहा क्यों आना चाहता है उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि मेरे वालदेन से कहने लगा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है आप कहीं भी इसकी शादी करेंगे तो इसका इस तरह का रवैया इसके शोर को शक्की बना सकता है लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए इसकी कंडीशन बेहतर जान सकता हूं और इसका इलाज भी शादी ही है ये सुनकर मैं गुस्से से वहां से उठकर बाहर चली गई मेरी वालदा जब डॉक्टर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी खुश थी मैंने घर जाते ही कह दिया कि किसी से मैंने शादी नहीं करनी मेरी वालदा ने कोई जवाब नहीं दिया कहने लगी नहीं करते तुम्हारी शादी लेकिन चंद दिन बाद वही डॉक्टर हमारे घर पर मौजूद था इसके साथ इसके चंद दोस्त अहबाब भी थे मेरी वालदा ने अचानक से मेरे सर पर बम फोड़ा था कहने लगी तुम्हारा निकाह है इसीलिए अभी निकाह वहाँ आएंगे तो इनकार मत करना सिर्फ निकाह है हम रुखती नहीं करेंगे मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है बहरहाल मेरा निकाह इस डॉक्टर के साथ हो गया निकाह के बाद मेरे कमरे में वो डॉक्टर आया इसे देख कर मैं हैरान हुई कि वो क्यों आया था यहाँ वो मेरे पास आया कहने लगा चलो मेरे साथ मैं आज ही रुकती चाहता हूँ कहा मुझे किसी के साथ नहीं जाना मेरे हाथों पाओ में एक दम ही लर्जा तारी होना शुरू हो गया लेकिन इस शख्स ने मुझे कुछ भी सोचने नहीं दिया मेरा हाथ पकड़ा मुझे कमरे से बाहर ले आया मेरे वालदेन से कहने लगा मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ और अब ये मेरी जिम्मेदारी है जब तक इसका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे घर मत आइएगा। ये कहकर वो मुझे घर से बाहर ले आया अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर अपने घर ले गया मैं रोए जा रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी लेकिन वो शख्स मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही ना था गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी हुई उसने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और अपने घर में ले गया अपने कमरे में ले गया जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया मेरा रंग सफेद पड़ चुका था मेरी हालत गैर होने लगी मैं कांप रही थी वो मेरे पास आया तो मैं कमरे की दीवार से जाकर लग गई मैंने कहा मेरे पास मत आना वो मेरे और करीब आ गया कहने लगा क्यों न आऊं? तुम्हारे तो पास इतनी खूबसूरत बीवी को कौन छोड़ सकता है वो मेरे पास आकर कहने लगा मैंने कहा आपको अगर सच पता चल जाए तो आप मुझे छोड़ देंगे यह कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी मैं थक चुकी थी इस सच के बोझ को उठाते उठाते वो कहने लगा यही जानना चाहता हूँ मैं मैंने कहा आपने बस ये जानने के लिए मुझसे शादी कर ली मुझे इस शख्स पर हैरत थी इतनी सी बात पर भला कौन किसी से शादी करता है वो कहने लगा हाँ मैंने इसी वजह से शादी की है अब बताओ शादी से डर क्यों लगता है उसने मेरा सर्द और कपकपाता हाथ पकड़कर पूछा था मैंने कहा सच जानकर आप मुझे छोड़ देंगे वो कहने लगा वो बात की बात है मैंने रोते हुए सारी बात बता दी ये सुनकर वो कहने लगा जानती हो मैं कौन हूँ फिर वो कहने लगा मैं जवाद हूँ फिर कहने लगा वो शख्स मेरा सका बाप नहीं था उसने मुझे यतीम खाने से लिया था जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो शख्स मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने लगा लेकिन मैं बेसहारा था इसलिए कुछ नहीं कर सकता था इसलिए जैसे ही मैं कुछ बड़ा हुआ तो इसे मार पीट कर खुद से दूर कर देता फिर इसने मुझे परेशान करना छोड़ दिया वो बीमार भी रहने लगा दो साल पहले वो मर चुका है तुम्हारी देख कर मुझे पहले शक हुआ था कि तुम ही हो लेकिन फिर तुम्हारा पीछा करने पर जब घर देखा तो यकीन हो गया कि ये मेरी बचपन की मोहब्बत सच्ची थी जब ही तो मुझ तक पहुंच गई मैं इसकी बातें सुनकर हैरान थी वो मुझसे कह रहा था पुरानी बातें भूल जाओ अगली ज़िंदगी बहुत हसीन है तो ये थी हमारी आज की स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़